हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की रेसिपी मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की ये जो सब्ज़ी है वो मैंने बहुत कम समय में बनाई थी, तो मुझे ये पहले एक दो बार मैंने इसे बनाया था घर में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बनाना भी आसान था और फटाफट से बन भी गया। तो मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है जो आपके सामने है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो मैंने रखा कढ़ाई में डाला मैंने तेल और उसमें डाल दिया मटर। मटर मैंने एक कप लिया है, तो बाकी के जो मसाले हैं वो बेसिक से हैं, वही प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची, इन सबको मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने इन सबको चॉपर में डाल करके चॉप किया है। तो पहले मैंने प्याज ये सबको डाल करके मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, फिर इसके बाद मैंने टमाटर को निकाल करके, प्याज जो हमने चॉप किया था उसे निकाल करके, फिर टमाटर को डाल करके उसी में चॉप कर लिया, और बाकी इन सबको मैंने अलग अलग प्लेट में निकाल करके रख लिया है। बनाने के लिए मटर पनीर हो या कोई भी सब्ज़ी बनाइए, तो सब्ज़ियाँ सब कुछ वही रहती हैं, मसाले भी वही सब रहते हैं बेसिक से जो हम डालते हैं, लेकिन बस बनाने का एक तरीका जो होता है जो अलग हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बस यही होता है। और तो बाकी सब तो वैसे ही बनता है हर घर में जैसे बनाते हैं हम लोग। तो मैंने इस तरह से ऐसे बनाया है, तो मटर भून गया है, उसे पक गया, तो उसे हमने प्लेट में निकाल लिया अलग। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया तेल। तेल डाल करके हमने जो प्याज को चॉप करके रखा था, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची को, उन सब में नमक हल्दी डाल करके उन सबको मैंने अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है और ढक दिया है ताकि वो तेल छोड़े। तेल छोड़ दिया है प्याज ने, तो उसे हम एक बार इसे हम चला देंगे। जब तक प्याज भून रहा था तब तक हमने पनीर को कट करके रख लिया था। अब ये हमने जो टमाटर को जो हमने चॉप करके रखा था, बस उसी प्याज में हम टमाटर को भी डाल देंगे और उसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बहुत आसानी से भुन जाता है और बहुत जल्दी भुन जाता है। अब उसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, सूखे मसाले हमने डाले हैं इसमें। तो इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा, तो मैंने अपने हिसाब से डाला है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाले जो है वो उसमें से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए, और ढक करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। अब इन्हें हम चम्मच से थोड़ा सा मसल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैशी जैसा हो जाए बस। अब जो मटर जो हमने जो रखा हुआ था अलग से भून करके, उसे हम उसी मसाले में डाल देंगे। और 2 चम्मच मैंने लिया था घर की फ्रेश मलाई थी, तो उसे ही मैंने चम्मच से फेंट किया था और उसे ही हमने उसमें डाल दिया है। अब एक बार उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसे हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम धीमी आंच पे रख देंगे ढक करके पकने के लिए। और उससे पहले हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, साथ ही डाला है हमने एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाला है सांभर मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इससे मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है। आपको पसंद हो तो डालिए और नहीं तो फिर आप बिना इस मसाले के भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। अब इसे ढक करके आप इसे पकने के लिए रख दीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर। अब इसे जब तेल छोड़ देगा तो फिर आप इसे एक बार चला लीजिएगा, और फिर इसमें डाल देंगे इसमें हम घी, तो घी या बटर आप जो भी आपको डालना पसंद हो वो आप डालिए, नहीं डालना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इसे डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे भी बताइएगा आपको ये कैसा लगा बनाने का तरीका मेरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।